please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पेशावर में खुली पाकिस्तान की पोल, हाफिज की रैली में दिखा आतंक का अक्स। जब हाफिज सईद ऐसे से लोग बच्चों को इस्तेमाल करने लग जाते हैं आतंकवाद के क्षेत्र में, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सड़कों पर आतंक का नंगा नाच, पाकिस्तान में छाई हाफिज सईद की किलर कंपनी। यदि वो हथियार यदि उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भविष्य एकदम अंधकारमय है। जमात तो दावा का परचम, आतंकियों के हाथ बुलंद। पाकिस्तान में छाया आतंक का ताया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बस इसी तर्ज पर भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी और आतंक का ताया यानी हाफिज सईद ने आईएसआई की शह पर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की जुर्रत की। दरअसल अभी हाल ही में हाफिज सईद ने पेशावर में एक रैली की थी। कहने को तो ये बस एक रैली थी, लेकिन अपने आतंक के गुरूर में हाफिज सईद ये भूल गया कि पूरी दुनिया को इस रैली में उसके आतंक की फैक्ट्री के खिलौने ही नजर आए। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। हाफिज सईद पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली है, ये तो सब जानते हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करता है, ये भी सब जानते हैं। हाफिज सईद और पाकिस्तान की सेना का ब्रेन चाइल्ड कहे जाने वाली आईएसआई के साथ क्या रिश्ते हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है। हाफिज सईद यानी वो आतंकवादी जिसके सर पर अमेरिका ने 10 मिलियन यानी 64 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। वही आतंकी खुलेआम पाकिस्तान के एक बड़े शहर पेशावर में एक रैली निकालता है और इस रैली में उसकी आतंक की फैक्ट्री के खिलौने अपने हाथों में सरेआम AK-47 थामे दिखाई देते हैं। अब इस रैली और इन तस्वीरों से भी आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की उजड़ी सियासत में आतंक के आका हाफिज सईद क्या रुतबा रखता है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लामाबाद में हमारा वजीर आजम खामोश क्यों है, तो मैं आपसे साफ साफ कहता हूं, कश्मीर में खून बह रहा है, जिम्मेदार इंडिया। अगर बलूचिस्तान में खून बह रहा है, जिम्मेदार इंडिया। अगर कराची में हमारे जवानों का खून बह रहा है, जिम्मेदार इंडिया। पाकिस्तान अपने बर्बादी के मार्ग पे निकल चुका है, अब अल्लाह भी उसको नहीं बचा सकता।
कहने को तो ये हाफिज सईद के एनजीओ जमात उद दावा की एक रैली थी, लेकिन इस रैली में आतंक का अक्स साफ नजर आया। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक खुले ट्रक पर काले लिबास पहने कुछ नौजवानों ने अपने हाथों में AK-47 थाम रखी है। एक या दो नहीं, तीन चार भी नहीं, पांच छह की गिनती छोड़ी, सात और आठ के आंकड़े की बात करें तो सही। जी हाँ, एक ट्रक के ऊपर आठ आठ नौजवान काले लिबास में ढके, हाथों में क्लैशनिकॉफ थामे नजर आ रहे हैं। नौजवान तो छोड़िए, हाफिज सईद ने कम उम्र बच्चे के हाथ में AK-47 थमाकर ये साबित करने की कोशिश की कि उसके एक इशारे पर बच्चे भी आतंकी बनने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की उजड़ी सियासत में हाफिज सईद के रुतबे का इस बात से भी अंदाजा हो जाता है कि 17 जनवरी 2018 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद अब्बास खाकानी ये कहने के लिए मजबूर हो गए थे कि पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ कोई केस नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम ने बड़े ही अदब और तहजीब से हाफिज सईद के नाम के आगे साहब तक जोड़ दिया था, यानी पाकिस्तान में हाफिज सईद की औकात इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उससे तहजीब और तमीज के दायरे में रहकर बात करने के लिए मजबूर है। पूरी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद पर ग्लोबल आतंकी का ठप्पा लगा है। अमेरिका पाकिस्तान को हाफिज सईद को रोकने के लिए कई बार कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान ना सिर्फ ये बात अच्छी तरह से जानते हैं बल्कि समझते भी हैं कि अगर उन्हें पाकिस्तान की सियासत में अपनी कुर्सी संभाल कर रखनी है तो उन्हें हाफिज सईद के हर नाजो नखरे को संभालना होगा। यही वजह है कि पाकिस्तानी सरकार के तमाम वादों और दावों को दरकिनार कर हाफिज सईद की जमात उद दावा ने पहले तो खुलेआम ऐसी रैली निकाली और फिर कुछ देर तक यूं ही नारेबाजी करने के बाद रैली में इजराइल का झंडा भी जला दिया गया। इतने से ही साफ हो जाता है कि इस आतंक के आका की आखिर मंशा है क्या और वो किसको पैगाम देना चाहता था। हाफिज सईद पाकिस्तान में रहता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान में हाफिज सईद ने अपने आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का हेडक्वार्टर बना रखा है, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने ये खुलासा करेंगे कि आखिर आतंक का ताया यानी हाफिज सईद लाहौर में किस जगह अपना ठिकाना बनाए हुए है और वो पाकिस्तान के किस कोने से ऑपरेट करता है। लाहौर, पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। लाहौर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करने वाला शहर। लाहौर पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा ठिकाना। यूं तो लाहौर शहर 404 वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया के बाकी तमाम शहरों की तरह ही एक शहर है, लेकिन यह शहर पिछले 6 दशकों से भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का ठिकाना बना हुआ है। वो हाफिज सईद जो आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा का सरगना है, वो हाफिज सईद जिसके सर पर अमेरिका ने 10 मिलियन यानी 64 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है, वही हाफिज सईद जो भारत के वाघा बॉर्डर से महज 21 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लाहौर शहर में पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की निगहबानी में रहता है। जी हां, भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यही वो जगह है जहां लश्करे तैयबा का सरगना और आतंक आका हाफिज सईद ने अपना ठिकाना बना रखा है। हाउस नंबर 2 शाह नूर स्टूडियो 23/3 फेज इकबाल टाउन लाहौर ही वो एड्रेस है जहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन एक बंगले में रहता है। हैरानी की बात तो ये है कि हाफिज के घर की पहरेदारी पाकिस्तान पुलिस के 90 जवान करते हैं।
सूत्रों के मुताबिक कुछ वक्त पहले तक पाकिस्तान पुलिस के डीएसपी मोहम्मद हुसैन, इंस्पेक्टर मियां अंजुम तारिक और सब इंस्पेक्टर अशाद हाफिज को लश्कर के चीफ हाफिज सईद की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हाफिज सईद जिस घर में रहता है उसके ठीक सामने पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एसपी का घर है। ये पाकिस्तान की वो जांच एजेंसी है जिसके जिम्मे पाकिस्तान में मुंबई धमाकों के गुनहगारों को ढूंढ निकालने का काम सौंपा गया है। यानी जिस जांच एजेंसी को मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का जिम्मा सौंपा गया है वो खुद आतंक के आका और हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की हिफाजत कर रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हाफिज सईद को हर वो चीज मुहैया करवाई हुई है जिसे उसकी दरकार है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाफिज सईद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काले रंग की टोयोटा कोरोला गाड़ी का इस्तेमाल करता है। इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है L242D। यानी पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद को एक VVIP नंबर मुहैया कराया हुआ है। इतना ही नहीं, आतंक के आका की गाड़ी के आगे उसकी एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी चलती है जिसमें उसके बॉडीगार्ड बैठे रहते हैं। हाफिज सईद की एस्कॉर्ट गाड़ी का रंग सफेद है और हैरानी की बात यह है कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही है जो कि हाफिज सईद की गाड़ी का है, यानी L242D। ये इसलिए भी है ताकि हाफिज के दुश्मनों को इस बात का पता न चल पाए कि आतंक का आका किस गाड़ी में बैठा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ लगी लश्कर के सरगना हाफिज सईद पर जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद का जन्म 5 जून 1950 को पाकिस्तान के पंजाब के सरगोधा के एक गुजर परिवार में हुआ था। हाफिज सईद के वालिद का नाम कमालुद्दीन है। उस वक्त हाफिज का परिवार लाहौर के जौहर टाउन के हाउस नंबर 116E में रहता था। पाकिस्तान में उसकी नेशनल आईडी नंबर है 35200255098 42। आज की तारीख में हाफिज सईद 67 साल का हो चुका है और वो लश्कर के आतंकियों के बीच तायाजी के नाम से मशहूर है। यानी तायाजी हाफिज का कोड नेम भी बन चुका है। लेकिन आतंक का ये ताया आज भी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह तैयार करने से बाज नहीं आता। न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर के हाउस नंबर 116E में हाफिज सईद अपने परिवार के साथ रहता है और हाफिज के इस घर की निगरानी और पहरेदारी का काम भी आईएसआई के जासूस और पाकिस्तान की पुलिस मिलकर करते हैं। इस घर में हाफिज सईद के साथ उसका बेटा तलहा सईद भी रहता है। यह हाफिज सईद का वो ठिकाना है जिसका इस्तेमाल वो लश्कर के कमांडरों के साथ मीटिंग करने और आईएसआई के अधिकारियों के साथ मिलने के लिए करता है। हाफिज के ठिकानों के साथ साथ न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ उसके आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडरों की लिस्ट भी लगी है। हाफिज सईद पाकिस्तान में कहां रहता है, पाकिस्तान की कौन सी एजेंसी उसकी हिफाजत कर रही है, इसका खुलासा तो हो चुका है। आइए अब आपको लश्कर के कमांडरों के बारे में बताते हैं कि वो कहां कहां रहते हैं और कैसे अपने आका हाफिज सईद के एक इशारे पर कश्मीर को दहलाने के प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज सईद का साला और उसकी गैर हाजिरी में लश्कर ए तैयबा का सरगना। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अब्दुल रहमान मक्की ने भी लाहौर को अपना ठिकाना बना रखा है। लश्कर ए तैयबा का नंबर 2 और वक्तिया तौर पर लश्कर का सरगना अब्दुल रहमान मक्की लाहौर के जौहर टाउन के ब्लॉक H2 में रहता है।
जकी और रहमान लखवी लश्कर तैयबा का नंबर टू और हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की की गैर हाजिरी में लश्कर के तमाम आतंकियों की कमान इसके ही हाथ में होती है। आतंक के इस आका ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद को अपना ठिकाना बना रखा है। लखवी अपने पूरे परिवार के साथ मुजफ्फराबाद के सवाई नाला इलाके में बने मदरसा हुज़ैफा बिन ज़मन में रहता है। इसी मदरसे में लखवी ने अपना ऑफिस भी खोल रखा है, जहां से वो अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। अबू अल कामा लश्कर का नंबर तीन कमांडर और कश्मीर घाटी में आतंकियों को लॉन्च करने और उन्हें उनके ऑपरेशन के बारे में बताने की जिम्मेदारी इसकी ही है। हाफिज सईद का गुर्गा अबू अल कामा पाकिस्तान के झेलम इलाके का रहने वाला है और उसने भी दो शादियां की हुई हैं। फिलहाल ये भी लखवी के साथ मुजफ्फराबाद से ही ऑपरेट करता है। अबू अल हसन लश्कर तैयबा का कश्मीर घाटी का इंचार्ज और घाटी में आतंकियों को सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है। लश्कर का ये आतंकवादी पाकिस्तान के गुजरांवाला का रहने वाला है। ये भी फिलहाल मुजफ्फराबाद में जकी उर रहमान लखवी के मदरसे में रहता है। अबू साद लश्कर तैयबा का जम्मू इलाके का इंचार्ज और कश्मीर घाटी के बाहर लश्कर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसकी रूपरेखा तय करना इसकी जिम्मेदारी है। हाफिज सईद का ये गुर्गा पाकिस्तान के मुल्तान शहर का रहने वाला है और ये भी अपने साथियों के साथ पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में ही रहता है और अपनी आतंकी साजिशों को अंजाम तक पहुँचाने की फिराक में लगा रहता है। पाकिस्तान में ऐसे हालात देखकर बस यही कहा जा सकता है कि हर शाख पर आतंकी बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान सरकार की बेशर्मी देखिए कि हाफिज सईद चाहे उसे लाख गाली दे लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे जानते हैं कि उनके देश की सेना के इशारे पर ही हाफिज सईद ये सब कहने की हिम्मत करता है। और अब तो आलम यह है साहब कि हाफिज सईद पाकिस्तान की राजनीति में आने के लिए कमर कस चुका है। पहले लश्कर तैयबा, फिर जमात उद दावा और अब मिली मुस्लिम लीग। ये आतंक के आका हाफिज सईद की वो शातिराना चाल है जिसके जरिए वो पाकिस्तान की उजड़ी सियासत का सुल्तान बनना चाहता है। इसके लिए बाकायदा उसने आईएसआई की शह पर अपने करीबी सैफुल्ला खालिद के जरिए पाकिस्तान में एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है। हालात को मद्देनजर रखते हुए मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से एक नई सियासी जमात बनाने का हमने फैसला किया है। ये कश्मीर की आजादी के साथ। ये सैफुल्ला खालिद है और हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा का एक बड़ा ओहदेदार है। सैफुल्ला खालिद हाफिज सईद का करीबी माना जाता है और अपने आका यानी हाफिज सईद के ही इशारे पर काम करता है कि हम आजादी हासिल करके रहेंगे। यानी सैफुल्ला खालिद और हाफिज सईद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ना दबने वाले, ना झुकने वाले, ना बिकने वाले, ये प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद हैं जिन्होंने कश्मीर की आजादी के लिए 8,000 बेटे कुर्बान कर लिए हैं। हाफिज सईद कितना शातिर है इस बात का अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि अपनी नई पार्टी में हाफिज सईद ने जमात उद दावा के नंबर टू और अपने जीजा अब्दुल रहमान मक्की और यहां तक अपने बेटे तलहा सईद को भी शामिल नहीं किया है। यानी ये शातिर चालबाज दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उसका और उसके परिवार का मिली मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं है,
जबकि पर्दे के पीछे रची ये उसकी एक और ताजा तरीन साजिश का नमूना है। उसके गुर्गे सैफुल्ला ने भी लश्कर की सियासी पार्टी के लॉन्च पर यह बात साफ कर दी कि वो कश्मीर मुद्दे को भड़काने का काम करते रहेंगे, यानी अब हाफिज सईद और उसके गुर्गे बुलेट चलाने के बाद बैलेट के पीछे छिपने का इंतजाम कर रहे हैं। मिल्ली मुस्लिम लीग इस अजम का इरादा करती है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिलाफ जारी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तानी कौम के तआवुन से हम भरपूर किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हाफिज सईद और उसके गुर्गे अपने मकसद में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान इस्लामिक टेररिज्म यानी जिहाद के नाम पर जंग की एक ऐसी दलदल में धंस जाएगा जिससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन होता जाएगा। आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसके पीछे पाकिस्तान के हुक्मरानों, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की लंबी चौड़ी प्लानिंग काम कर रही थी। उस दौर में हाफिज सईद पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक का काफी करीबी था और दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की एक ऐसी साजिश का बीज बो दिया जिसकी तपिश आज भी हिंदुस्तान में महसूस की जाती है। ये वो दौर था जब आज के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज मोहम्मद सईद लाहौर के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इस्लाम का एक प्रोफेसर हुआ करता था। हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी जहरीली जुबान के चलते वो पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह जिया उल हक के करीब होता चला गया और जिया उल हक की ही शह पर उसने दो साथियों जफर इकबाल, जो उसके साथ ही लाहौर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और डॉक्टर अब्दुल्ला आजम, जो इस्लामाबाद के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, के साथ मिलकर एक इस्लामिक संगठन मरकज दावत उल इस्लाम बनाया था। डॉक्टर अब्दुल्ला आजम वो शख्स था जो इससे पहले फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास से भी जुड़ा था और जिसे अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन के राजनीतिक सलाहकार होने का रुतबा हासिल था। एमडीआई यानी मरकज दावत उल इस्लाम की नींव पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लाम और शरिया के बारे में पढ़ाने और बताने के लिए रखी गई थी। और ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में तालिबान और सोवियत संघ के बीच जंग खत्म होने की कगार पर थी। इसी दौरान अफगानिस्तान में अपने आतंकियों के साथ सोवियत संघ की सेना के साथ लड़ रहा जकी उर रहमान लखवी भी अपने आतंकी संगठन को एमडीए के साथ मिलाने की घोषणा कर देता है, लेकिन आतंक आका लखवी हथियार छोड़ना नहीं चाहता था, लिहाजा साल 1987 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में दुनिया भर में और खासकर कश्मीर के लिए एक नए आतंकी संगठन को बनाया गया, लश्कर-ए-तैयबा। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जिस वक्त लश्कर-ए-तैयबा बनाया गया था उस दौर में अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन ने हाफिज सईद को $2 मिलियन दिए थे। इसके साथ ही इस मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि लश्कर का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के मुरीदके में बनाया जाएगा। न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा बनाने में हाफिज सईद के मामा मौलाना हाफिज अब्दुल्ला ने एक अहम किरदार निभाया था। दरअसल मौलाना हाफिज अब्दुल्ला भारत पाक के बंटवारे से पहले उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान आ गए और बहावलपुर डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगे। बाद में वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन गए थे। वो मुस्लिम लीग से भी जुड़े हुए थे और मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी माने जाते थे। मौलाना अब्दुल्ला वही शख्स है जिनके बेटे अब्दुल रहमान मक्की और अब्दुल मनन ने हाफिज सईद की बहनों के साथ शादी की हुई है।
ये वही अब्दुल रहमान मक्की है जो हाफिज सईद की गैर हाजिरी में लश्कर की कमान संभालता है। आइए अब आपको बताते हैं कि हाफिज सईद ने अपने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का जाल पाकिस्तान में कैसे फैला रखा है। दारुल उंदलुस, हाफिज सईद लाहौर में दारुल उंदलुस के नाम से एक इस्लामिक संस्था चलाता है जिसमें जिहाद के नाम पर किताबें छापी जाती हैं। इदारा खिदमत खल्क, हाफिज लाहौर के चौबर्जी इलाके में इदारा खिदमत खल्क नाम से एक और संस्था चलाता है जिसका काम उन आतंकियों के परिवारों की देखभाल करना है जो हिंदुस्तानी फौज के हाथों मारे जा चुके हैं। हाफिज सईद ने इस संस्था की जिम्मेदारी हाफिज अब्दुल रऊफ को सौंप रखी है। अल दावा एजुकेशन सेंटर, हाफिज ने लाहौर के ही मॉल रोड के नीला गुंबद इलाके में अल दावा एजुकेशन सेंटर खोला हुआ है जिसकी जिम्मेदारी प्रोफेसर जफर इकबाल के पास है। यहां मारे गए आतंकियों और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। मरकज अल कसीदिया, लाहौर के चौबर्जी इलाके में बने अपने इस ठिकाने से हाफिज सईद जिहाद के नाम पर छपी किताबों को पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भिजवाता है। लाहौर के अलावा हाफिज ने अपना आतंक का कारोबार चलाने के लिए अलग अलग दफ्तर खोल रखे हैं। मरकज यारमुक, मेन बस स्टैंड इस्लामाबाद, दावत सेंटर जारगून रोड क्वेटा, मरकज बाबुल इस्लाम हैदराबाद, हुजैफा बिन जमन शवाई नाला मुजफ्फराबाद, दावत सेंटर F1 रोड मीरपुर, दावत सेंटर जिबह खाना कोटली, मरकज सेंटर काराकुरम होटल मंशेरा। आइए अब आपको उन मैगजीन्स के बारे में बताते हैं जो आतंक के आका हाफिज सईद की सरपरस्ती में पाकिस्तान में छप रही हैं। गजवा, उर्दू साप्ताहिक पत्रिका लाहौर, मुजला तु दावा, उर्दू मासिक पत्रिका मुल्तान, थायबत, उर्दू त्रिमासिक पत्रिका लाहौर, जरबे तैयबा, उर्दू मासिक पत्रिका, बाबुले इस्लाम, उर्दू मासिक पत्रिका, अरिबात, अरबी मासिक पत्रिका, नन्ने मुजाहिद, उर्दू पाक्षिक पत्रिका, वॉइस ऑफ इस्लाम, अंग्रेजी मासिक पत्रिका। ये वो मैगजीन है जिनका इस्तेमाल लश्कर पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर वहां के नौजवानों को गुमराह करने के लिए करता है। आज लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान के हुक्मरानों, उसकी सेना और खुफिया एजेंसी ISI का वो खतरनाक हथियार बन चुका है पाकिस्तान, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कभी भी कर देता है, फिर चाहे वो करगिल युद्ध हो या फिर उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमी को लहूलुहान करने के लिए किए गए आतंकी हमले। भारत के खिलाफ रची गई हर साजिश के पीछे लश्कर का ही हाथ रहा है। हाफिज सईद, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की कठपुतली और हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर एक। हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा, फलाह इंसानियत का सरगना जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ जहर ही भरा हुआ है। हाफिज सईद आतंक का वो आका जो अपने जहन में दिन रात सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों के जाल ही बुना करता है। हाफिज सईद, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का वो एजेंट जो जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को भड़काकर कश्मीर में पत्थरबाजी और घाटी में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। लश्कर बनते ही उसका सरगना हाफिज सईद एक ही एजेंडा पर काम करने लगा और वो था दहशतगर्दी से भारत और खास तौर पर कश्मीर को दहलाना। इसके लिए लश्कर ने अफगानिस्तान के कुनार और पख्तिया में अपने आतंकी कैंप लगाए
उधर एमडीआई का हेडक्वार्टर दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए एक आरामगाह बनने लगा था, और ये सब पाकिस्तान के हुक्मरानों, उसकी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की देखरेख में हो रहा था। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादियों की एक फौज तैयार करने में लगा था। इसके लिए पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से जिहाद के नाम पर लश्कर आतंकियों की भर्ती कर रहा था। साल 1989 से कश्मीर में आतंकवादी हमलों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो आज तक बदस्तूर चल रहा है। लश्कर ए तैयबा ही वो आतंकवादी संगठन है जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली समेत मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, वाराणसी, कोलकाता, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में आतंकी हमले और धमाके कर उन्हें दहला चुका है। करगिल युद्ध के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि भारत की सरहद में घुसने वाली पाकिस्तानी सेना के साथ लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी भी थे। यानी लश्कर ए तैयबा पाकिस्तानी सेना के इशारे और उसके साथ मिलकर काम करता है। ये लश्कर ए तैयबा के ही आतंकवादी थे जो साल 2001 में लोकतंत्र की दहलीज यानी भारत की संसद के परिसर में घुसने में कामयाब हो गए थे और यहाँ एक आतंकी हमले को अंजाम भी दिया था। इसके बाद लश्कर ने 26 नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी हमलों को अंजाम देकर भारत समेत पूरी दुनिया को दहला दिया था। साल 2001 में अमेरिकी सरजमीं पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले के बाद से अमेरिका ने लश्कर ए तैयबा को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इसके बाद हाफिज सईद ने शातिराना तरीके से लश्कर का नाम बदलकर जमात उद दावा रख दिया था, लेकिन साल 2012 में अमेरिका ने जमात उद दावा को भी एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और हाफिज के सर पर 10 मिलियन यानी 64 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया था। लेकिन वही हाफिज सईद अमेरिका तक को आंख दिखा चुका है, यानी जब तक हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक आतंक का ये आका अपना आतंक का कारोबार यूं ही चलाता रहेगा। तो ये थी पाकिस्तान में राज कर रहे आतंक के ताया यानी हाफिज सईद पर हमारी खास पेशकश। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।